नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के कटअप के बारे में कि आखिर इसका कटअप क्या हो सकता है, इसका कटअप हाई जाएगा या इसका कटअप लो रहेगा, आखिर किन किन बात ऐसा है जो इसके कटअप को आखिर कम कर सकता है या अधिक कर सकता है। मैं इसके एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, 6 दिसंबर को मेरा एग्जाम था और मैंने उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इसका एग्जाम कैसा रहा। तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी लाने वाला था कि आप लोगों को इसका आंसर की आप लोगों को प्राप्त हो जाए, लेकिन मैंने देखा कि यूट्यूब पर पहले से ही आंसर की का वीडियो पड़ा हुआ है, तो मैंने इसके रिकॉर्डिंग कोई भी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को कटअप के बारे में जानकारी दिया जाए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इस कटअप को प्रभावित करने वाली, वह है इसके सीटों की संख्या। आप जानते होंगे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में सीटों की संख्या 212 है और 212 सीटों के लिए लगभग अगर हम आवेदन की बात करें तो अराउंड 1.5 से 2 लाख आवेदन इसमें हुई थी, और इसमें जो रिजल्ट देना है वह 20 गुना देना है, यानी कि जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा अराउंड 4000 के अराउंड आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 8 से 10 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, तो यह नंबर है जो बहुत बड़ा नहीं है। 8 से 10 स्टूडेंट का जो नंबर है वह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो यहां पर जो सबसे मेन टॉपिक है जो कटअप को हाई कर सकता है, मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, कटअप हाई भी बताऊंगा, कटअप लो भी बताऊंगा, दोनों चीज मैं बताऊंगा। तो जो सबसे कटअप को हाई करने वाला जो चीज होता है वह बिहार के एग्जाम में सेटिंग होता है। तो 212 पदों में, ये तो बात फिक्स है कि अगर कितनी भी कम सेटिंग चली होगी तो अराउंड जो प्राथमिक एग्जाम है 100 सीटों पर तो फिक्स है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक सेटिंग रहेगा। आपके प्रारंभिक एग्जाम होगी, आपकी मुख्य परीक्षा होगी, आपकी दौड़ होगी, 100 सीट तो ऐसे होंगे जिसमें शुरू से लेकर अंत तक सेटिंग रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे सेटिंग होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में ही हो पाया, जहां से इधर उधर से क्वेश्चन मिल गया, तो वैसे कैंडिडेट की संख्या में अराउंड मैक्सिमम इस बार मांग के चल रहा हूं 500, क्योंकि ज्यादा इस बार प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुए हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के, तो इसलिए इस बार छात्रों के लिए राहत की बात है जो छात्र मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस बार प्रश्न पत्र ज्यादा वायरल नहीं हुए हैं, तो करीब 500 आप सीट मान सकते हैं जो प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण उनका रिजल्ट होगा, यानी कि आप 4000 में से 500 निकाल दीजिए, आपके पास अब 3500 सीटें बचे। तो 3500 सीटों पर आप लोगों का सिलेक्शन होना है, और नंबर ऑफ अगर स्टूडेंट की बात करें तो वही 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट आपके इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन आपका होने वाला है 5 से 8 कैंडिडेट के बीच आपका होने वाला है। और जो प्रश्नों की प्रवृत्ति इस बार रही बिहार दरोगा का, मैंने जो पार्टिसिपेट किया तो प्रश्न इजी टू मॉडरेट रहे, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मतलब थोड़े नहीं बन सकते थे, लेकिन अधिकतर प्रश्न इजी थे। आप भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको भी पता होगा कि जो भी प्रश्न थे ज्यादातर प्रश्न एसपीडी से थे, और एसपीडी से बहुत इजी जी प्रश्न थे। अगर मैं बात करूं एसपीडी की तो करीब जीके के 70% प्लस जो प्रश्न थे वह एसपीडी से डायरेक्ट थे। कुछ करंट अफेयर ऐसे थे जो शायद थोड़े टफ थे, और एक के इलेक्ट्रिक विद्युत से भी एक प्रश्न था एलडब्ल्यू करके, वो थोड़ा टफ था फ्रेंड क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर जो प्रश्नों की प्रवृत्ति रही वो इजी ही रही, प्रश्न काफी आसानी से हल हो जाते थे, जैसे आपके कितने भाषाएं संविधान में, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, काफी इजी जी प्रश्न पूछे गए थे। योग दिवस कब मनाया जाता है, करेंट अफेयर भी काफी इजी थे। तो इस बार का जो कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है वह इस कारण से ही हो सकता है क्योंकि आपके जो प्रश्नों की प्रवृत्ति रहे वह काफी इजी रहा। तो मैंने आप लोगों को बताया प्रश्नों की प्रवृत्ति के बारे में, अब हम कटअप के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर कटअप कितना जा सकता है। तो मैंने इसके रिकॉर्डिंग एक पोल भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जो कटअप जा सकता है जनरल के लिए, तो वो जनरल के लिए कटअप जा सकता है 75 से 80 के बीच, 75 से 80 के बीच मैक्सिमम जा सकता है, या अगर आप बात करें तो 75 से नीचे भी रह सकता है।
फुल चांस है 75 से 80 के बीच रहने का। और अगर EWS की हम बात करें, जो जनरल कैटेगरी में राजपूत कास्ट हो गए, ब्राह्मण कास्ट हो गए, वो सारे जो EWS में आते हैं, तो उनको 10% का आरक्षण मिलता है, और यह जो कटअप को काफी कम कर देता है। जैसे आप पिछले बार का देख रहे होंगे, कटअप बिहार दरोगा का 132 या 131 नंबर जनरल का कटअप था और 117 नंबर EWS का कटअप था, तो काफी गैप था। तो इस बार भी उसी प्रकार से रहने वाला है। आपका जो क्वेश्चन सही होना चाहिए वह सही होना चाहिए अराउंड 70 से 75। आपका अगर सही है तो आपका रिजल्ट हो सकता है। OBC का भी यही मामला रहेगा, 70 से 75 आपका रिजल्ट हो सकता है। SC ST जो है उनका 60 नंबर पर रिजल्ट हो सकता है। और महिलाएं 50 से 60 अगर बनाई हैं, 60+ अगर कर ली हैं, तो उनका स्कोर सेफ रह सकता है। तो यह मेरा कटअप का कुछ एनालिसिस था। यह कटअप कोई फिक्स नहीं है, इसमें उलट फेर हो सकता है। मैंने आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताया और कुछ रीजन इस बार कटअप हाई रहने का यही हो गया कि जो क्वेश्चन के प्रवृत्ति थे वह काफी इजी थे। तो अगर आप इस स्कोर से प्लस आपका अगर स्कोर है, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, धन्यवाद।